देखो, प्रागैतिहासिक काल में हम मुख्य रूप से पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि पाषाण काल का उल्लेख या पाषाण काल के जो भी अवशेष हैं वो यहाँ से प्राप्त हुए। इसके पश्चात मनुष्य को तांबे का जो धातु है उसके बारे में भी पता चला, तो ताम्र युग भी आया। लोहे के बारे में पता चला तो लौह युग भी आया, लेकिन हम उस इन दोनों को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि छत्तीसगढ़ में इसका कोई साक्ष्य जो है वो अभी तक नहीं मिला है। सिर्फ हमें पाषाण कालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम पूरा पाषाण काल। ठीक है, काल के हिसाब से ऐतिहासिक प्राग ऐतिहासिक काल में सर्वप्रथम जो काल है पाषाण काल का, उसे कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल वो युग था जब मनुष्य ने जीना सीखा। जैसे कि उसने क्या किया, मतलब गुफाओं में रहना शुरू किया, पत्थर के उसने औजार बनाए, वो आखेट करता हुआ ऐसे मतलब कुछ कुछ उसने ऐसे शैल चित्र ड्रॉ किए जिससे पता चलता है कि मतलब पूरा पाषाण काल में उसने शिकार किया। ठीक है, या फिर उसने नौकायन के लिए उसने बहुत सारे मतलब जैसे लकड़ी के लट्ठों को उन्होंने उसने जोड़ करके एक मतलब नाव जैसा बनाया। ठीक है, तो ये सभी जो चीजें हैं कैसे पता चली कि इसके शैल चित्र मिले, या इसके जो औजार थे जैसे उसने कुदाल बनाए या फिर कुल्हाड़ी बनाया। कुल्हाड़ी तो खैर बाद में आया, मतलब जो शार्प वाले जितने भी औजार उसने बनाए है ना, वो उससे पता चला कि अच्छा ये इसने शुरुआत की। तो पूरा पाषाण काल में जो जिस तरीके से पाषाण का यूज हुआ उससे पता चला कि पूरा पाषाण काल आया। और पूरा पाषाण कालीन जो अवशेष है वो छत्तीसगढ़ में तीन जगह से प्राप्त हुआ है। ठीक है, पहला है महानदी घाटी, दूसरा है सिंगलपुर की गुफाएं, और तीसरा है कबरा पहाड़। कबरा पहाड़, ठीक है, इन सभी क्षेत्रों से क्या क्या मिला, क्या क्या औजार मिले, ये भी प्रश्न में पूछे जाते हैं। जैसे कि इन इन क्षेत्रों से मिला सबसे पहले कुदाल। ठीक है, कुदाल इसे कहते हैं पत्थर के हस्तचलित कुदाल। ठीक है, उसके अलावा कबरा पहाड़ की अगर बात करते हैं तो वहां पर मिला है लाल रंग की छिपकली, लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल, घड़ियाल भी जानवर होता है, छिपकली भी एनिमल है, सांभर। ठीक है, और शैल चित्र भी मिले हैं, मनुष्य के शैल चित्र। शैल चित्र जो है वो बहुतायत रूप में यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कबरा पहाड़ से, और सिंगनपुर की गुफाओं से भी बहुत सारे शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, महानदी की घाटियों से भी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो मतलब नाटक की छिपकली, घड़ियाल, ये सांबर जो है वो मतलब ऐसा पूछ दिया जाता है, इसका ज्यादातर मैच दी कॉलम्स टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मतलब जगह का नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि कौन सा किससे मैच होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना एकदम जरूरी है, क्योंकि पीएससी और व्यापा में क्या होता है कि मतलब कुछ साल पहले जब इसकी शुरुआत हुई, मतलब पेपर लेना ही लोग शुरू किए, तो उस टाइम में बहुत ज्यादा इस क्वेश्चन को पूछा जाता था। लेकिन अभी 2016 की स्थिति में इससे अभी क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इस बार तो मतलब आना है, क्योंकि क्वेश्चंस भी इनके पास सब लिमिटेड हो गए हैं, सब लोगों ने सब चीज पढ़ लिया है। पूरा पाषाण काल में जो भी जो भी साक्ष्य मिले, जैसे महानदी घाटी, सिंगनपुर की गुफाएं और कबरा पहाड़ी, ये तीनों जो है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा और भी जो जगह है रायगढ़ में चिन्हांकित किए गए हैं, जैसे कि बोतलदा, गिद्धा, सोनबरसा, ठीक है, छापामाड़ा है ना, ये सभी जो जगहें हैं वो भी पूरा पाषाण काल से संबंधित है। लेकिन इन सभी जगहों से बहुत ही कम साक्ष्य, छोटे मोटे साक्ष्य जो है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, सबसे पुराना स्थान कौन सा है जहां से पाषाण काल के बारे में पता चलता है, तो वो है सिंगनपुर की गुफाएं, उसके बाद में आता है कबरा पहाड़। ठीक है, अब देखते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल का साक्ष्य जो है वो कबरा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। कबरा पहाड़ अर्थात
रायगढ़, ठीक है, ये वहीं पर स्थित है। और कपड़ा, कपड़ा पहाड़ में जो तीन चार चीजें बताई मैंने, जैसे कि लाल रंग की छिपकली, घड़ियाल और सांबर, ये सभी जो है, और मनुष्य के जो भी शैल चित्र प्राप्त हुए, सभी जो पूरा पाषाण काल से संबंधित है। लेकिन कुल्हाड़ी प्राप्त हुआ है कपड़ा पहाड़ से, वो मध्य पाषाण काल से संबंधित है। इसके अलावा यहाँ पर से मनुष्य के भी चित्र प्राप्त हुए हैं कपड़ा पहाड़ से, पंक्तिबद्ध मानव समूह के जो चित्र हैं प्राप्त हुए हैं। देखो मनुष्य का चित्र तो कई जगह से प्राप्त हुआ है, जैसे महानदी घाटी और सिंगनपुर की गुफाओं से तो विशेष रूप से मनुष्य के चित्र प्राप्त हुए हैं, जिन्हें शैल चित्र कहते हैं। लेकिन कपड़ा पहाड़ से, कपड़ा पहाड़ से पंक्तिबद्ध मानव समूह प्राप्त हुए, मतलब एक आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, फिर दूसरा आदमी खड़ा है, फिर तीसरा आदमी खड़ा है, इस तरीके के जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं यह जो है वो कपड़ा पहाड़ से प्राप्त हुआ है। अच्छा, अभी मैं लेटेस्ट नवंबर का जो महीना है उसका न्यूज बताना चाहूंगी कि जो सिंगनपुर की गुफाएं हैं, ऐसा अभी रिसेंटली न्यूज में आया था कि ये जो यहाँ से जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, मतलब गायब हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा इनके संरक्षण के लिए मतलब प्रयास की कोशिश तो चल रही थी, पर अभी तक उतनी सफलता जो है प्राप्त नहीं हुई है। तो मैं आप लोग से पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने इस बारे में कुछ देखा, कुछ उससे जानकारी मिली कि क्या वाकई में सिंगनपुर की गुफाओं के जो शैल चित्र हैं वो गायब हो रहे हैं। तो ये एक अच्छा आप लोग के लिए टास्क है। तो जब ये, इसको बताने का सिर्फ और सिर्फ यही मीनिंग है कि जब ये न्यूज में आया सिंगनपुर की गुफाएं अगर एक बार आ गई और उसके बारे में जब इतना तहलका मचाने वाला जब न्यूज आ गया कि गुफाओं से शैल चित्र गायब हो गए, जो एक धरोहर है जिससे मनुष्य की सभ्यता के बारे में पता चला और वही गायब हो गए, तो ये तो आपके एग्जाम से रिलेट होता है, उससे क्वेश्चंस बनता ही है और पूछे भी जा सकते हैं, क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाएंगे, मुझे तो लग ही रहा है। ठीक है, तो हमने देख लिया मध्य पाषाण काल, अब हम देखते हैं उत्तर पाषाण काल। उत्तर पाषाण काल से संबंधित तीनों चार जगह, महानदी घाटी, सिंगनपुर की गुफाएं और कपड़ा पहाड़ तो है ही, उसके बाद इसमें एक और ऐड हो जाता है उत्तर पाषाण काल में, धनपुर। धनपुर जो है वो बिलासपुर जिले में स्थित है, धनपुर से शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, मनुष्य के शैल चित्र जो है वो धनपुर से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम नवपाषाण काल। नवपाषाण काल से संबंधित जो स्थान है वह है अर्जुनी, चितवा डोंगरी, ठीक है, और टेरम, टेरम, ठीक है। अर्जुनी जो जगह है वो दुर्ग में स्थित है और चितवा डोंगरी राजनांदगांव में। और टेरम जो है वो रायगढ़ में स्थित है। ये जो जो जगह है वो नवपाषाण काल से संबंधित है, यहाँ से जो भी औजार प्राप्त हुए हैं या चंद्रभाल प्राप्त हुए हैं, जो भी चीजें प्राप्त हुई, अवशेष जो भी प्राप्त हुए, वो नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी एक बार पूछा जा चुका है व्यापम में और बीएसए में भी पूछा जा चुका है, और अगेन मैंने बताया कि इसमें जगह का नाम दे दिया जाता है और मैच द कॉलम का स्टेप का पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है या इसको पाषाण काल से संबंधित पूछा जाता है। ठीक है, जैसे कभी भी किसी भी जगह की खोज हुई है अभी तक तो उस वर्ष उस जगह का नाम दे दिया जाता है और फिर पूछा जाता है कि यह किससे संबंधित है और उसका कोई भी साक्ष्य वगैरह जो है उससे भी रिलेट करके पूछा जाता है। ठीक है, तो ये नवपाषाण काल में ये जो जगह है इसको भी कई बार पूछा जा चुका है। चितवा डोंगरी और अर्जुनी और टेरम से मुख्य रूप से चित्रित घन अवचार प्राप्त हुए हैं, मतलब जो औजार प्राप्त हुए हैं उसमें छेद हैं और साथ ही साथ जो चितवा डोंगरी है वहां से शैल चित्र भी प्राप्त हुए हैं और ये तीनों जो है वो नवपाषाण काल से संबंधित है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जितने भी पाषाण काल से संबंधित या जो प्रागैतिहासिक काल से संबंधित जो भी स्थान था उसने उसको हमने देख लिया, परंतु प्रागैतिहासिक काल से संबंधित कुछ और जगह भी हैं जो मतलब हाल ही में कुछ साल पहले ही खोजे गए हैं, जैसे कि राजनांदगांव का बोनटीला नामक स्थान है। ठीक है, बोनटीला और कांकेर का, कांकेर में एक स्थान है
उड़पूड़ा या उड़पूड़ा। ठीक है, ये दोनों जगह जो है वो प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, देखो छत्तीसगढ़ महाकौशल विकास परिषद की स्थापना की गई थी और इस परिषद के द्वारा विभिन्न स्थानों की खोज की जाती थी, अभी भी की जाती है, इस परिषद के द्वारा की जाती है खोज। देखो इस परिषद के जो प्रमुख जो सदस्य थे, जैसे कि रविंद्रनाथ मिश्र है या फिर काबिल साहब है ना, मुझे उनका नाम नहीं पता कि मतलब उनका रियल नेम क्या था वो, है ना, और भगवान दास है ना, ये सभी जो थे इस महाकौशल विकास परिषद से जुड़े हुए थे और उन्होंने छत्तीसगढ़ में खोज की। जैसे कि उन्होंने चितवा डोंगरी में खोज किया शैल चित्रों के बारे में, ठीक है, और जितने भी मतलब जो छिद्रित घन औजार वगैरह जो प्राप्त हुए उसकी भी खोज उन्होंने की। इसके अलावा मध्य पाषाण काल से संबंधित और भी जगह, जैसे कि मैंने बताया कि रायगढ़ में बोतलदा या छापामाड़ा, सोनबरसा, गिद्धा और भावरखोल, और उसके अलावा जो बस्तर जिले में बहुत सारी जगह चिन्हांकित किए गए हैं, जैसे कि घाट लोहांग, खड़ंग घाट, गढ़ चंदेला, ठीक है, ये सभी जो जगह है मतलब बस्तर जिले में चिन्हांकित किए थे, इन सभी जगहों की खोज जो है वो महाकौशल विकास परिषद के द्वारा ही किया गया। लेकिन इन सभी जगहों में बहुत कम साक्ष्य मिले हैं, बहुत ही कम साक्ष्य मिले हैं जो एकदम बिल्कुल नगण्य है, परंतु फिर भी यह प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ठीक है, तो इसको भी जाना हमें जरूरी था। अब देखो पाषाण काल तो कंप्लीट हो गया, इसके बाद फिर ताम्र युग आया, फिर लौह युग आया, इसका कोई भी साक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा कुछ और भी चीजें हैं जो छत्तीसगढ़ से प्राप्त हुई है, जैसे कि पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, पाषाण घेरे क्या है, प्राचीन काल में जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी तो जमीन में गड्ढा किया जाता था और उसकी लाश को डाल करके उसके ऊपर बड़े बड़े पत्थर ढक दिए जाते थे, तो उसी को कहा जाता है पाषाण घेरे। पाषाण घेरे जो है वो बहुतायत रूप में करीब 500 पाषाण घेरे केश काल का गढ़ धनोरा स्थान है, वहां से प्राप्त हुआ है। गढ़ धनोरा से 500 पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, इसके अलावा और पाषाण घेरे जो है वो दुर्ग जिले का करही भदर सोरर एंड चिरचरी, इन तीनों स्थानों से भी पाषाण घेरे प्राप्त हुए हैं और इन पाषाण घेरों पर बहुत सारे पाषाणकालीन बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होने की वजह से इसको संरक्षित भी किया गया है। मतलब इसको अभी मतलब पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित करने के भी प्रयास चल रहे हैं अभी वर्तमान में। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा बहुत सारे स्थानों पर शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, वो हमने डिस्कस कर लिया। लौह पात्र भी प्राप्त हुए हैं, मतलब लोहे से संबंधित कुछ कुछ क्षेत्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कि दुर्ग का जो करकाभांटा क्षेत्र है, ठीक है, ये हमारा रहा दुर्ग का करकाभांटा, ये अभी मतलब अभी 2016 की स्थिति में ये करकाभांटा जो है वो बालोद में स्थित है। ठीक है, तो ये जो मतलब इसको पॉइंट कर रही हूँ मैं, बालोद का जो करकाभांटा क्षेत्र है वो लोहा गलाई से संबंधित क्षेत्र था। ठीक है, उसके अलावा सरगुजा में जो रामगढ़ की पहाड़ी में जोगी मारा और सीता बेंद्रा की गुफा है, जोगी मारा और सीता बेंद्रा, इन दोनों गुफाओं से लोहे का पात्र मिला है, इन दोनों गुफाओं से लोहे के पात्र मिला है। करका माटा जो था बालोद में स्थित है, यहाँ ये लोहा गलाई से संबंधित था। ठीक है, और इस क्षेत्र मतलब लोहार क्षेत्र के नाम से प्राचीन काल में ये जाना जाता था और इस क्षेत्र से मृत भांड। जब कभी बात चलती कि शैल चित्र जो है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जो सर्वाधिक शैल चित्र है वो रायगढ़ से प्राप्त हुआ है। ठीक है, कबरा पहाड़ से मानवबद्ध पंक्ति समूह प्राप्त हुआ है, मानवबद्ध पंक्ति समूह कबरा पहाड़ से। ठीक है,
और आखिर करता मनुष्य। प्राचीन काल में मनुष्य था, आखिर करता था, तो उसने भी उसको शैलचित्र के रूप में उकेर दिया। ये जो आखिर करता मनुष्य है वो सिंघनपुर की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में स्पर्श कई बार पूछा जा चुका है कि आखिर करता मनुष्य का जो शैलचित्र है वो कहाँ से प्राप्त हुए, तो सिंघनपुर की फॉर्म और कबरा पहाड़ से विशेष रूप से शैल जो चित्र है उसमें मानवभद्र पंक्ति समूह प्राप्त हुआ है। ठीक है, रायगढ़ के बहुत सारे स्थान है जहाँ पर शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, जैसे कि रायगढ़, बोतलदा, करमागढ़, गिद्धा, बसनाझार, ओंगणा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे जो चीजें हैं वो रायगढ़ से भी प्राप्त हुई है। अच्छा, इसके अलावा कबरा पहाड़ और सिंघनपुर की जो गुफाएं हैं वो भी शैलचित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ये हो गया, हमने जितने भी शैलचित्र हैं वो देख लिए। अब हम इसके अलावा मैं एक चीज और बोलना चाहती हूँ कि जो जो मैंने पाषाण गिरी बताए हैं उसकी खोज जो है वो रविंद्रनाथ मिश्र और प्रोफेसर कामले के द्वारा की गई थी, और इन्होंने ही सर्वप्रथम खोज करके निकाला, जैसे दुर्ग का सोरर चिरचारी जो है वो वहाँ की खोज भी इन्होंने की थी, और कोंडा गांव का जो गढ़धन वाला स्थान है वहाँ का पाषाण घेरे जो है उसकी खोज भी रविंद्रनाथ मिश्र ने की थी। तो कई बार मतलब प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि कौन कौन सी जो जगह है उसकी खोज जो है किस किस व्यक्ति ने की थी। सर्वाधिक जानकारी जो है वो रायगढ़ से प्राप्त हुई है, रायगढ़ के जो कबरा पहाड़ है उससे सर्वाधिक जानकारी प्राप्त होती है। तो ये भी प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि सर्वाधिक प्रागैतिहासिक कालीन जो साक्ष्य है वो किससे प्राप्त हुआ है, तो कबरा पहाड़ है जिससे सर्वाधिक प्राप्त हुआ है। ठीक है, और अगर लोहे से संबंधित सर्वाधिक जानकारी कहाँ से प्राप्त हुई है, तो दुर्ग जिले जो है वो उससे प्राप्त हुआ है लोहे का। ठीक है, चितवा डोंगरी नामक जो जगह है जो नवपाषाण काल से संबंधित है, वहां पर मानव और पशुओं की आकृति प्राप्त हुई है। चितवा डोंगरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, चितवा डोंगरी। ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुआ है मानव और पशु की आकृति। रायगढ़ जिले में जो प्राप्त हुआ, रायगढ़ जिले में जो बोतलदा नामक जो गुफा प्राप्त हुई है वो सबसे लंबी गुफा है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा की अगर बात चलती है तो उसमें बोतलदा आता है। ठीक है, अच्छा, जो छत्तीसगढ़ महाकौशल विकास परिषद है जिसके जो सदस्य थे रविंद्रनाथ मिश्र और प्रोफेसर कामले, उन्होंने रायगढ़ में बहुत सारी जो जगह थी उसको चिन्हांकित किया, और साथ ही साथ इन्होंने बस्तर का भी जो कुछ क्षेत्र जो मैंने बताया जैसे कि कर्मा सॉरी घाट लोहांग खाड़ंग घाट, ठीक है, ये सभी जो जगह है उन्होंने ही चिन्हांकित किया था, जो विशेष रूप से बस्तर, अभी तो मतलब जब से पार्टीशन हुआ है बस्तर का तो उसके बाद से मतलब बहुत सारे जो क्षेत्र हैं वो अलग अलग जिलों में चले गए हैं, जैसे कि कोंडागांव में कुछ जिला चला गया है और कांकेर में कुछ है, दंतेवाड़ा में, सुकमा में कुछ जो है वो फैले हुए हैं। तो इसको भी पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। जब पाषाण काल का अंत हुआ तो उसके पश्चात ताम्र युग की शुरुआत हुई और लौह युग की शुरुआत हुई, लेकिन इसके कोई भी साक्ष्य छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुए हैं, इसी वजह से हम इसको नहीं पढ़ेंगे, मतलब कोई अवशेष मिले ही नहीं है, तो इस वजह से उसको पढ़ने का कोई तात्पर्य भी नहीं निकलता है। अब आगे का हम देखते हैं, जैसे कि मैंने बताया था कि किस तरीके से मनुष्य की सभ्यताओं को शुरुआत हुआ और उसका जो खनन कार्य प्रारंभ हुआ था 1921 में हड़प्पा युग की साक्ष्य जब छत्तीसगढ़ भारत में जब मिला है ना, तो उसके पश्चात ही सभी जगह खनन की शुरुआत होने लगी। ठीक है, तो अगर हम हड़प्पा कालीन अवशेष की बात करें, अगर छत्तीसगढ़ में हड़प्पा काल से संबंधित कोई भी अवशेष प्राप्त हुए अगर ऐसा हम देखते हैं तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है, तो इस वजह से हम हड़प्पा से संबंधित कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं होने की वजह से उसको हम नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर मतलब कुछ भी है ही नहीं, वो लोग कभी इधर आए ही नहीं ऐसा मानते। ठीक है, इसके पश्चात हड़प्पा युग के पश्चात वैदिक युग की शुरुआत हुई। ठीक है, वैदिक युग के भी कोई ज्यादा साक्ष्य जो है वो छत्तीसगढ़ में प्राप्त नहीं हुए, इसी वजह से वैदिक युग के युग से संबंधित मतलब जो वैदिक युग में ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो हुआ है ना, उसके कुछ कुछ चीजों का अनुमान लगाया गया, और ये
कुछ तथ्यों से पता चला कि यहाँ पर भी आर्य आए थे, मतलब छत्तीसगढ़ में भी आर्यों का आगमन हुआ था। ठीक है, तो इसमें ऋग्वैदिक काल का कोई भी साक्ष्य जो है वो प्राप्त नहीं हुआ है छत्तीसगढ़ में, सीधा उत्तर वैदिक काल की बात करते हैं। उत्तर वैदिक काल में ऐसा माना जाता है कि छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश हुआ था। ठीक है, इसका मतलब पता कैसे चला? देखिए, कौशित की जो ग्रंथ है ना, कौशित की मतलब एक ग्रंथ है, उसमें ऐसा उल्लेख मिलता है कि विंध्याचल पर्वत तक उनका विस्तार था, आर्यों का विस्तार था, जो बेसिकली आर्यों के आगमन का और उनका जो भी रहन सहन था, उनकी जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसके बारे में बताता है ना। और साथ ही साथ उसी ग्रंथ में नर्मदा नदी का जो उल्लेख है, रेवा नदी के नाम से है। देखिए, समय के साथ साथ क्या होता है कि बहुत सारी चीजों का नाम जो है वो चेंज होने लगता है। जैसे कि छत्तीसगढ़ का ही नाम चेंज हो गया, कितना पहले दक्षिण कौशल, कौशल, दक्षिणापद, रतनपुर, श्रावस्ती, क्या कुछ नहीं था इसका नाम, लेकिन अभी प्रेजेंट में इसका नाम छत्तीसगढ़ है। वैसे ही उस समय नर्मदा नदी का नाम का जो उल्लेख है रेवा नदी के रूप में मिलता है। ठीक है, और साथ ही साथ एक कौशित शतपत ब्राह्मण ग्रंथ है, शतपत ब्राह्मण ग्रंथ में भी समुद्रों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो ये जब ये कुछ चीजें जो है वो रिलेट होती है छत्तीसगढ़ से, तो इसलिए मान सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में भी आर्यों का प्रवेश हुआ था। ठीक है, डेफिनेटली हुआ था। अब देखो, वैदिक युग का कुछ ज्यादा कुछ साक्ष्य नहीं मिला है, तो इसी वजह से रामायण काल और महाभारत काल को वैदिक युग से रिलेट करके हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम रामायण काल या रामायण। सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगी, रामायण काल में छत्तीसगढ़ को दो नामों से जाना जाता था। जो छत्तीसगढ़ का मैदान है, ये बीच वाला जो एरिया है, उसको छत्तीसगढ़ को दक्षिण कौशल कहा जाता था, और नीचे वाले एरिया को दंडकारण्य कहा जाता था। तो यहाँ से आपका लीजिए दक्षिण कौशल, ये वाला एरिया हो गया दंडकारण्य। रामायण का से ये पता चलता है कि दंडकारण्य में भगवान श्री राम ने अपने 14 वर्ष के वनवास के समय कुछ समय यहाँ व्यतीत किया, साल के वनों का विशेष रूप से उल्लेख है। ठीक है, इससे संबंधित जो साक्ष्य है वो भी कई स्थानों पर प्राप्त हुए छत्तीसगढ़ में। ऐसा कहा जाता है कि दक्षिण कौशल जो था, राजा भानुमंत का शासन यहाँ पर था। भानुमंत जो है वो माता कौशल्या जी के पिताजी थे, अर्थात श्री राम जी के नाना जी थे, है ना। उनका जो शासन था वो छत्तीसगढ़ में था, और उनकी जो राजधानी थी श्रीपुर थी, जिसे श्रावस्ती भी कहा गया बाद में। ठीक है, श्रीपुर उनकी राजधानी थी। और ऐसा कहा जाता है कि जब मतलब उनके पश्चात, भानुमंत के पश्चात दशरथ जी को इनका इस क्षेत्र का शासन प्राप्त हुआ, और अल्टीमेटली भगवान श्री राम जी को यह क्षेत्र प्राप्त हुआ। ठीक है, और उनके पश्चात उनके जो बेटे थे, है ना, लव और कुश, तो कुश के नाम पर जो सिरपुर था उसका नाम कुश स्थली भी पड़ा था। ठीक है, मतलब जब उनका शासन आया तो कुश स्थली भी पड़ा था। तो अब हम देखते हैं कि किस किस जगह पर इनके जो साक्ष्य हैं, मतलब रामायणकालीन साक्ष्य किन किन जगह से प्राप्त हुए हैं, तो ये देखते हैं। सबसे पहले तो जब राम जी वनवास के लिए यहाँ पर आए, मतलब इस क्षेत्र में जब प्रवेश किए, तो सबसे पहले वो उत्तर की तरफ आए। उत्तर में सरगुजा जिला में रामगढ़ की पहाड़ियां हैं, है ना, वहां पर वो आकर के कुछ समय अपना व्यतीत किए। तो इसमें से रामगढ़ की पहाड़ी सीता जी उनके साथ आई, तो यहाँ पर सीता बेंगरा नामक स्थान भी है। फिर आया लक्ष्मण जी भी उनके साथ आए थे। ठीक है, सीता कुंड नामक स्थान भी है। और साथ ही साथ यहाँ पर किष्किंधा पर्वत भी है। ऐसा कहा जाता है कि बाली का जो वध है इसी स्थान पर किया गया था। और यह हाथी को, ये छह स्थान जो है वो रामायण काल से संबंधित माने जाते हैं। ठीक है, इसके पश्चात ये
यहाँ से आए जांजगीर चांपा में। जांजगीर चांपा में दो स्थान प्रमुख हैं। पहला है शिवरी नारायण, और दूसरा है खरौद। खरौद में खरदूषण का शासन था, और इसी खरदूषण को मारने के लिए भगवान श्री राम जी यहाँ पर आए थे, और खरौद में ही लक्ष्मण भगवान के द्वारा लखनेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना की गई थी, जिसे लाखाचौर मंदिर कहा जाता है। इसके पश्चात ये लोग आए बलौदा बाजार। ठीक है, बलौदा बाजार में वाल्मीकि जी का आश्रम था, यहीं पर लव कुश का जन्म हुआ था ऐसा कहा जाता है, और कालांतर में कुश के नाम से ही इस क्षेत्र में कुश का शासन हुआ। इसी वजह से इसकी जो राजधानी थी उसको कुश स्थली कहा जाता था, जो श्रावस्ती थी, वर्तमान सिरपुर क्षेत्र को श्रावस्ती कहा जाता था। ठीक है, यहाँ पर मतलब वाल्मीकि जी के आश्रम में ही लव कुश का जन्म हुआ था, और माता सीता जी जो थी वो यहीं पर आकर के मतलब शरण लिए हुए थे। ठीक है, इसके पश्चात जब ये लोग इस स्थान से ये लोग चले गए धमतरी। ठीक है, धमतरी है, यहाँ पर सिहावा पर्वत स्थित है। सिहावा पर्वत में ही श्रृंगी ऋषि जी का आश्रम है, ये भी रामायण काल से संबंधित है। इसके पश्चात कांकेर जिला में पंचवटी नामक स्थान मिलता है। पंचवटी से ही सीता माता जी का हरण किया गया था। दंडकारण्य का जो एरिया है, यहाँ पर दंडक नामक व्यक्ति का शासन था। दंडक का शासन था, इसी वजह से इस क्षेत्र का नाम दंडकारण्य पड़ा था, और इसी दंडकारण्य का सर्वाधिक उल्लेख रामायण में मिलता है। ठीक है, इससे ये समझ में आता है कि छत्तीसगढ़ जो था वो जो भानुमत के पिताजी थे महाकौशल, उनके नाम पर पड़ा कौशल या दक्षिण कौशल, और जो नीचे का एरिया था उसे कहा जाता था दंडकारण्य। और इन्हें मतलब जब कुश का शासन आया, ठीक है, जब दक्षिण कौशल था उस समय इस जो क्षेत्र की राजधानी थी श्रावस्ती या सिरपुर, जो महासमुंद जिले में स्थित है, और जब कुश का शासन आया तो इस क्षेत्र का जो नाम पड़ा कुश स्थली, और इसकी जो राजधानी थी वो सिरपुर थी, कुश स्थली नाम से जाना गया इसको। और बिलासपुर जिले का कोसला ग्राम जो है वो रामायण काल से संबंधित माना जाता है। कोसला ग्राम, ठीक है, ये मतलब रामायण काल से संबंधित इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो रामायण काल से हमें जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसे पूरा पता चल जाता है कि किस तरीके से भगवान राम जी जो थे वो क्षेत्र से होकर के गुजरे। अच्छा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा राम गमन वन मार्ग की स्थापना की जा रही, मतलब एक रोड मैप बनाया गया कि किस तरीके से कौन कौन से जिलों से होकर के भगवान राम गुजरे। करीब 1100 किलोमीटर है इस रोड की लंबाई, जो अभी प्रस्तावित है, मतलब इसमें काम जो है अभी शुरू हो चुका है पर अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इसको भी आपको जानना जरूरी था। ज्यादातर रामायण काल से संबंधित जो राजधानी है उसको पूछा जाता है या किन किन क्षेत्रों से होकर के गुजरे, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। अब हम अगला देखते हैं महाभारत काल, यह भी छत्तीसगढ़ में वैदिक युग से ही संबंधित है। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम इसका नामकरण देखते हैं कि क्या क्या नाम था छत्तीसगढ़ का महाभारत कालीन, क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। महाभारत काल में छत्तीसगढ़ को प्राग कौशल या कौशल कहा जाता था, अर्थात जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इस वाले एरिया को प्राग कौशल या कौशल कहा जाता था, और दंडकारण्य वाला क्षेत्र है उसको महाकांतार कहा जाता था। ठीक है, इस एरिया को महाकांतार, और ये वाले एरिया को प्राग कौशल या कौशल कहा जाता था। ठीक है, अब कुछ साक्ष्य जो है वो महाभारत कालीन छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त हुए, उसको भी हमको देखना जरूरी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिलासपुर से। बिलासपुर जिले का जो रतनपुर नामक स्थान है, ठीक है, वो
प्राचीन काल में मणिपुर के नाम से जाना जाता था और महाभारत काल में ही इसको मणिपुर के नाम से जाना जाता था। और इस क्षेत्र में शासन करने वाले जो राजा थे, ठीक है, ताम्रध्वज है ना, उनका शासन था। वो महाभारत काल, मतलब जब महाभारत ग्रंथ में आप पढ़ोगे तो जो कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, तो उस समय जो ताम्रध्वज है ना, उनका उल्लेख मिलता है कि वो मणिपुर के राजा थे। और मणिपुर जो है वो रतनपुर को ही कहा जाता था, ठीक है। ये रहा आपका रतनपुर और ये संबंधित थे राजा ताम्रध्वज थे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर जब हम महासमुंद जिले की बात करते हैं तो दो स्थानों का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। पहला है सिरपुर, ठीक है, और दूसरा है खल्लारी। देखो सिरपुर जो है वो सिरपुर अर्जुन और उनकी पत्नी चित्रांगदा का पुत्र था, बब्रुबान उसकी राजधानी थी। और महाभारत काल में छत्तीसगढ़ का सिरपुर को चित्रांगदपुर के नाम से जाना जाता था और यही इसकी राजधानी भी थी। तो चित्रांगदपुर किसको कहा जाता था, सिरपुर को, और सिरपुर जो है वो बब्रुबान की राजधानी थी। अच्छा, जब आप महासमुंद से बागबारा की तरफ जाते हो तो बीच में पड़ता है खल्लारी, जिसे प्राचीन काल में खल्ल वाटिका भी कहा जाता था या महाभारत काल में खल्ल वाटिका कहा जाता था। यह खल्लारी नामक जो स्थान है, यहाँ पर भीम के पद चिन्ह प्राप्त हुए हैं और लाक्षाग्रह के भी अवशेष प्राप्त हुए हैं। मतलब ये जो यहाँ पर जो भी चीज प्राप्त हुआ है उसको महाभारत काल से अगर संबंधित मतलब रिलेट करते हैं अगर आप, तो ये जो साक्ष्य है वो उसी की ओर इंडिकेट करता है कि यहाँ पर लाक्षाग्रह नामक जो षड्यंत्र रचा गया था वो इसी से संबंधित था, ठीक है। तो ये दो जगह हो गई जिसको आपको ध्यान देना है, सिरपुर एंड खल्लारी, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर जब रायपुर जिले में महासमुंद से रायपुर की ओर जाते हो तो बीच में पड़ता है आरंग। आरंग का प्राचीन नाम था भांडेर। आरंग को और किस नाम से भी जानते हैं हम कि यहाँ पर मतलब जैनियों के बहुत सारे मंदिर हैं, मतलब मंदिरों की नगरी कहा जाता है आरंग को। आरंग में मोरध्वज नाम के राजा का शासन था और यह भी महाभारत काल से संबंधित है। मोरध्वज का शासन था आरंग में, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ अन्य अवशेष जो है वो प्राप्त हुए हैं, जैसे कि अगर आप जानकी चंपा जिले की बात करते हो तो यहाँ पर गुंजी का शिलालेख प्राप्त हुआ है जो ऋषभ तीर्थ से संबंधित है और यह भी महाभारत काल से संबंधित है। तो इस तरीके से हमको पता चलता है कि महाभारत कालीन साक्ष्य जो है वो यहाँ पर मिले, और ये भी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सेम मैंने बताया पहले भी कि क्वेश्चंस किस तरीके के आते हैं, जगह का नाम दे दिया जाएगा, उसे रिलेट करने का नाम दे दिया जाता है और उसके प्राचीन नाम भी दे दिए जाते हैं। As you can see, सिरपुर का प्राचीन नाम था चित्रांगदपुर, रतनपुर का मणिपुर, खल्लारी का खल्लवाटिका और आरंग का भांडेर, ठीक है। तो इसका प्राचीन नाम कई बार पूछा जा चुका है कि भांडेर में किसका शासन था या इसकी इसको इसको किस नाम से जाना जाता था या कौन कौन से साक्ष्य इससे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं महाजनपद काल के बारे में। देखियो ऐसा कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो थे वो छत्तीसगढ़ में आए थे जिस समय सिरपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी थी, जिसे श्रावस्ती कहा जाता था महाभारत काल में, लेकिन इसको बाद में श्रीपुर भी कहा गया, ठीक है। बुद्ध काल में सिरपुर को श्रीपुर कहा जाता था और श्रावस्ती भी कहा जाता था। और इस समय भगवान बुद्ध जो है कुछ समय के लिए यहाँ पे समय व्यतीत करने के लिए आए थे। जो बौद्ध ग्रंथ है भगवती सूत्र, ठीक है, भगवती सूत्र में ऐसा उल्लेख मिला है कि भगवान जो बुद्ध थे वो यहाँ पर आए थे, यहाँ की यात्रा किए थे और करीब 3 महीने तक श्रावस्ती में वो निवास किए थे। सिरपुर से ही बहुत सारे मतलब खुदाई से बहुत सारी चीजें प्राप्त हुई, जैसे कि आनंद प्रभु कुटी विहार, स्वास्तिक विहार जो है वो सिरपुर से ही प्राप्त हुआ है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो काल था बुद्ध काल जो था वो संबंधित था छत्तीसगढ़ से। अच्छा, महाजनपद काल में चेदी जनपद नाम की जो क्षेत्र था उसमें छत्तीसगढ़ शामिल था। चेदी राजाओं के शासन की वजह से इस क्षेत्र को चेदीसगढ़ भी कहा जाता था। सर्वप्रथम हीरालाल काव्योपाध्याय जी ने बताया कि चेदीसगढ़ जो है वो छत्तीसगढ़ को ही कहा जाता था। चेदी राजाओं के शासन की वजह से चेदीसगढ़ कहा गया और इसी का अपभ्रंश किया, यही चेंज होते होते छत्तीसगढ़ के नाम से चेंज हो गया, ठीक है। इसकी जानकारी किसने दी थी, बैगलर ने दी थी सर्वप्रथम, कि इसको मतलब प्राचीन काल में
चेतिसगढ़ कहा जाता था किसको, हीरालाल कावपाध्याय को। और उसके बाद उन्होंने फिर इसको चीज को काफी अच्छे से इन्होंने डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से मतलब चेदी राजाओं का शासन काल था महाजनपद काल में। जब भगवान बुद्ध का शासन आया था, मतलब जब भगवान बुद्ध यहाँ पर आए थे, जिस समय वो यहाँ पर आए थे उस समय मतलब जो छत्तीसगढ़ था, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का हिस्सा था, मतलब मध्य का तो हिस्सा था ही। तो उस समय यह दो भागों में बटा हुआ था, एक उत्तर का क्षेत्र जिसे उत्तर कौशल कहा जाता था और जो दक्षिण का क्षेत्र था उसे दक्षिण कौशल कहा जाता था, और छत्तीसगढ़ जो था वो दक्षिण कौशल में सम्मिलित था। तो इसका उल्लेख भगवती सूत्र से भी मिलता है। तो कई बार पूछा जा चुका है कि बौद्ध काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, दक्षिण कौशल कहा जाता था, और महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को क्या कहा जाता था, चेतीसगढ़ कहा जाता था, ठीक है। महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ को श्रावस्ती कहा जाता था, महाजनपद काल में छत्तीसगढ़ की राजधानी सिरपुर थी और सिरपुर को श्रावस्ती कहा जाता था। इसका उल्लेख बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक में मिलता है, ठीक है, बौद्ध ग्रंथ अवदान शतक। इस क्षेत्र को दक्षिण कौशल कहा गया और इसकी राजधानी थी श्रावस्ती या सिरपुर। चीनी यात्री वेंसोंग ने छत्तीसगढ़ की यात्रा की थी और छत्तीसगढ़ को नाम दिया था उन्होंने कियासलो, ठीक है, और उनकी रचना थी सीयू की, ठीक है, सीयू की। इसी में छत्तीसगढ़ को कियासलो का नाम दिया गया था और उन्होंने इस सीयूकी के जरिए यह बताया कि छत्तीसगढ़ के श्रावस्ती में भगवान बुद्ध जो है वो 3 महीने तक निवास किए थे, अपना समय यहाँ पर व्यतीत किए थे। तो इस तरीके से जो महाजनपद का जो काल था भगवान बुद्ध से संबंधित जो भी चीजें थी मैंने बताई आपको। अब इसके बाद हम लोग जो और राजा थे जो मतलब जो भारत में शासन किए, जैसे कि मौर्य और गुप्त काल, मौर्यों का काल गुप्त का काल है, ठीक है, सातवाहन कालीन जो राजा थे उनके भी जो साक्ष्य यहाँ से प्राप्त हुए, कुषाण कालीन मेघवंश वंशी शासकों का यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो उसको आप वन बाय वन देखते जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मौर्य काल से। मौर्यों का शासन कम से कम 322 ईसा पूर्व तक था और इसके कुछ साक्ष्य जो है वो छत्तीसगढ़ से भी प्राप्त होते हैं, तो चलिए उसको देखते हैं। मौर्य काल से संबंधित सबसे पहले जगह देखते हैं कि कौन कौन सी जगह पर उनके अवशेष मिले, कौन कौन सी जगह जो है वो उनसे संबंधित है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी कि सरगुजा जिले में रामगढ़ की पहाड़ी में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना की थी करीब 200 ईसा पूर्व में, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, इसको साक्ष्य भी मिले यहाँ से। उसके अलावा देखते हैं जोगी मारा की गुफा जो रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है और सीता बिंगल की गुफा, ठीक है। देखो जोगी मारा की गुफा में अशोक के चिन्हित अभिलेख मिले हैं, या अशोक ने अपने जो भी अभिलेख बनवाए थे उसका एक साक्ष्य जो है यहाँ से भी मिला है, जिसकी भाषा पाली है और लिपि जो है ब्राह्मी है। इसको कई बार पूछा जा चुका है कि अशोक के खुदे हुए अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो जोगी मार की गुफा से इसके अभिलेख प्राप्त हुए हैं। सीता बेंगरा की गुफा में देवदासी सुत्न का और देवदत्त, ठीक है, देवदत्त की प्रणय गाथा का उल्लेख है। यह जो सीता बेंगर की गुफा है वो वरुण देव को समर्पित है और यहाँ पर और भी बहुत सारे साक्ष्य प्राप्त हुए, जैसे दर्शक तिरगा है या फिर मंच वगैरह पूरा बना हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर जो सुतनुका थी वो निवास करती थी और वह देवदत्त से प्रेम करती थी और उसने अपने प्रेम गाथा को चित्रों के रूप में यहाँ पर उकेरा हुआ है, ठीक है। तो सीता बेंगरा जोगी मारा जो है दोनों रामगढ़ की पहाड़ी में स्थित है और रामगढ़ की पहाड़ी में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र की रचना करीब 200 ईसा पूर्व में की थी, ठीक है। अब देखो ये जो तीनों जगह है वो सरगुजा जिले में स्थित है, इसके अलावा और भी कुछ जगह है जहां पर से मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं, जैसे कि बस्तर,
ठीक है, सिरपुर और मल्हार। मल्हार जो है वो बिलासपुर में स्थित है। मल्हार से केवल मौर्यकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। और अगर हम सिरपुर की बात करते हैं तो सिरपुर में बहुत सारे ऐसे अवशेष प्राप्त हुए हैं जो अशोक, मतलब अशोक काल से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि अशोक ने यहाँ पर अनेक प्रकार के बौद्ध मंदिरों का निर्माण करवाया था, जिसके साक्ष्य तो नहीं मिले हैं लेकिन कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो मौर्यों से इसको रिलेट करता है। ठीक है, उसके अलावा बस्तर जो है, अच्छा तीन जो स्थान है, मतलब टोटल जो छह स्थान है छत्तीसगढ़ के, वो मौर्य काल से संबंधित है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा यहाँ पर से मुद्रा भी प्राप्त हुई है। ठीक है, यह प्राप्त हुआ है अकलतरा, ठठारी और बार। ठीक है, अकलतरा और ठठारी जो है ये दोनों रायगढ़ जिले में स्थित है, और सॉरी बार जो है वो रायगढ़ में है, और अकलतरा ठठारी जो है वो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है, जांजगीर चांपा में स्थित है। इसको भी कई बार पूछा जा चुका है कि मौर्यकालीन मुद्रा जो है वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो अकलतरा ठठारी और बार, ठीक है, यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगला देखते हैं हम संपीड़ित मुद्रा। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ है, तारापुर, आरंग एंड उड़ेला। ये जगह जो है वो रायपुर में स्थित है, मतलब रायपुर भी मौर्य काल से संबंधित था, तभी तो यहाँ से संपीड़ित मुद्राएं प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके अलावा चांदी के मौर्यकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं। ये सारंगढ़, सारंगढ़ कहाँ है, रायगढ़ में। ठीक है, तारापुर, तारापुर रायपुर में है। इन दो जगह से भी चांदी के जो सिक्के हैं, मौर्यकालीन सिक्के जो है वो प्राप्त हुए हैं। ठीक, इसके अलावा अकलतरा, यहाँ से साक्ष्य और सिक्के दोनों प्राप्त हुए हैं। अकलतरा जो है वो जांजगीर चांपा जिले में स्थित है। ठीक है, तो चांदी के सिक्के जो है हमें तीन जगह से प्राप्त हुए हैं, सारंगढ़, अकलतरा, तारापुर। ठीक है, महासमुंद जिले से ऊपर जब जाते हैं बलौदा बाजार, तो बलौदा बाजार में तुरतुरिया नामक स्थान है, यहाँ से बौद्ध कालीन अवशेष प्राप्त हुआ है। सरगुजा जिले के कपाटपुरम नामक स्थान से मौर्यकालीन लाठ प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो जो भी साक्ष्य थे मौर्यकाल से संबंधित, जो भी चीजें थी वो इस तरीके से है। अब आपको इसको मर्ज करना है और याद करना है।